दोस्तों खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के थाना मोघट रोड अंतर्गत नागचून रोड पर मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि नागचून रोड पर अभी बीते दिनों यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद थाना मोघट रोड पुलिस यहां पर मामले की जांच करने के लिए फरियादी को लेकर पहुंची है और मामले के संबंध में जाँच पड़ताल की जा रही है। साथ ही मोघट पुलिस द्वारा इस मामले में नजरी नक्शा बनाकर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। तो इस मामले की जांच करने के लिए थाना मोघट के सहायक उप निरीक्षक श्री विनोद मेहना और साथ में अनुराग सिंह कुशवाहा यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, आज यहाँ पर आप जांच करने के लिए आए, क्या मामला है सर? ये 19 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था जी। कार नंबर MP12CD7351 के चालक द्वारा एक दंपत्ति को इधर से जाते समय एक्सीडेंट किया था जी। जिसका अस्पताल चौकी से सानाकल थाने पर आया था, जिसकी जांच पर आज अपराध क्रमांक 315/24 धारा 381 125A का पंजीबद्ध कर किया गया है जी। और अभी फरियादी को लेकर नक्शा मुखा बनाने के लिए कार्रवाई की गई और साक्षियों से पूछताछ कर कथन देखे गए। सर अपराध में प्रयुक्त कार और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या? अभी उनकी गिरफ्तारी और जब्ती की कार्रवाई शेष है, कार्रवाई के अंतर्गत अभी जांच चल रही है। ठीक सर, बात करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारी पुलिस से बात हो गई है और साथ में यहाँ पर फरियादी भी पहुंचे हुए हैं, तो हम फरियादी से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद। कहाँ रहते हैं आप? खड़गपुरा जी। क्या हो गया था पूरा बताइए। मैं साइड से निकल रहा था जी और जुबेदा हाल में जाना था जी। मैं निकल गया था पूरा पीछे से, पिछले चक्के में और कैरियर में जी। कार वाले ने भड़ करके टक्कर मारी जी। तो हम गिर गए, पलट गए जी। तो हाथ पैर में लगा जी और पैर में चोट आ गई थी आपको? हाँ, सर में लगा, ये सब जी। अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा 2 दिन जी। तो मामले की आपने पुलिस में रिपोर्ट की होगी? या पुलिस को बोला है जी। तो MLC पूरी आपकी हो गई अस्पताल से? हाँ, जब ये अभी साक्ष्य देखने आए। अच्छा, साक्ष्य देखने आए। तो कितने लोगों को चोट लगी थी? 2 लोग। 2 लोगों को? हाँ। ये कितने दिन पहले की बात है? 19 तारीख की है। 19 तारीख की घटना? 19 तारीख में 1 से 1.5 बजे। 1 से 1.5 बजे के बीच की बात है। ठीक है जी। तो आपने देखा कि हमारी पुलिस से बात हुई, साथ में जिनके साथ जो एक्सीडेंट की घटना हुई थी उनसे भी बात हो गई है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।